सूर्य उपासना के पर्व छठ पर अस्तांचल भगवान सूर्य को प्रथम अर्घ शुक्रवार की शाम को दिया गया। व्रती महिलाएं समूह में छठ मैया का गीत गाते हुए गंगा घाटों पर पहुंची। कोरोना महामारी को देखते हुए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बावजूद शहर के साथ ही सभी ग्रामीण क्षेत्रों के गंगा घाटों, पोखरों एवं तालाबों पर श्रद्धालु महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। घाटों पर बच्चों ने आतिशबाजी भी की। इससे पहले बाजारों में पर्व से संबंधित सामग्रियों की जमकर खरीददारी हुई। जिले में दिन भर छठ पूजा की धूम रही। दिन में 3 बजे के बाद व्रती महिलाएं तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों का गंगा घाटों के लिए निकलने का क्रम शुरू हुआ। 4 बजते-बजते सभी गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। घाटों पर पहुंची व्रती महिलाओं ने सुपेली में फल, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, अगरोटा आदि पूजा संबंधित सामानों को लेकर गंगा घाटों पर पहुंची। इसके बाद वेदी को गंगा जल से धोकर धूप अगरबत्ती जलाने और ईख को खड़ा कर कलश स्थापित किया गया। इसके बाद करीब 2 घंटे तक पूजा अर्चना चलती रही। सूर्यास्त से पहले व्रती महिलाएं गंगा में पहुंची और हाथों में सुपेली लेकर सूर्य की उपासना की। बाद में अस्त होते हुए सूर्य को व्रती महिलाओं के पुत्र, पति, बेटी सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने 6 बार अर्घ दिया। शहर के कलेक्टर घाट, ददरी घाट, बड़ा महादेवा घाट, सिकंदरपुरा घाट, चीतनाथ घाट, अंजही घाट, पोस्तान घाट, नवापुरा घाट, कोयला घाट, पत्थर घाट सहित अन्य घाटों पर आस्था उमड़ती नजर आई। अर्क का कार्य संपन्न होने के बाद व्रती महिलाएं तथा उनके परिवार सदस्य घरों को लौटे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महापर्व की धूम रही। गंगा घाट के साथ ही पोखरों और तालाबों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से गंगा घाटों के साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। जिलाधिकारी MP सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह चक्रमण कर शांति व्यवस्था का जायजा लेते रहे। पूजा संपन्न होने के बाद घाटों से बड़ी संख्या में लोगों के घर लौटने के दौरान कई मार्गों पर जाम की व्यवस्था उत्पन्न हुई। हालांकि तैनात पुलिसकर्मी आवागमन सुचारू करने में जुटे रहे। गाजीपुर से मैनुद्दीन सिद्दीकी की एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज, जुर्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज। मैं इस समय आ गया हूँ गाजीपुर गंगा घाट। और एक तरफ देखा जाए तो कोविड महामारी से पूरा विश्व परेशान है, इसे गाजीपुर भी अछूता नहीं है। और हमारे बीच इस समय देख रहे हैं घाट बिल्कुल सज चुका है, तमाम माताएं एवं बहनें हैं। आइए हम पूछते हैं, जो छठ पूजा है हिंदू मान्यता के अनुसार, पूरी जानकारी एक हमारे सज्जन, हमारे मित्र है। क्या नाम आपका है? जी मेरा नाम क्रांशी है। क्रांशी जी, देखा जाए तो काफ़ी वर्षों से ये मनाया जा रहा है, विश्व देखा जाए कोविड महामारी है जिससे पूरा विश्व परेशान है, मेरा गाजीपुर में चुका नहीं है, उसको देखते हुए पूरे त्यौहार के बारे में पूरी जानकारी आप बताएँ। देखिए, ये जो छठ महापर्व है ये बेसिकली भारत के जो पूर्वी छोर है, बिहार और बिहार के आगे जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, यहाँ से इसकी पर्व की मान्यता की शुरुआत होती है। और ये हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में जो विश्वास है वो ये इस प्रकार का है कि ये संतान की प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और पारिवारिक सुख समृद्धि। छठ देवी जो षष्ठी देवी है, जो हमारी तिथि छठवीं तिथि जो होती है, आज हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि है, तो आज षष्ठी देवी की पूजा होती है। और साथ ही सूर्य जो कि तेज और ओज के देवता, उनकी उपासना की जाती है। और अपने
आप में यह पर्व इसलिए एक अद्भुत है कि जैसे कहते हैं दुनिया उगते सूरज की पूजा करती है, लेकिन यह इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें पहले हम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं और यह आशा करते हैं आप अपने तेज अपने ओज को समेट कर कल के लिए एक नया सवेरा हमारे जीवन में लेकर जब आएंगे तो हम हमारे अंदर एक नया उत्साह भरेंगे, हमारे परिवार की, हमारे संतान की, हमारे समाज की, सबकी रक्षा हो। और इस आशय के साथ, इस विश्वास के साथ ये औरतें महिलाएं जो हैं वो सायंकालीन अस्ताचलगामी सूर्य को, अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। आज चौथा दिन है, आज इस देखिए यह पर्व जो है वो चार दिन का होता है। आज इस पर्व का तीसरा दिन, एक तरह से प्रधान दिन आज ही है। पहले दिन जैसे हम लोग यहाँ जो होता है वो नहाए खाए करती हैं औरतें, दूसरे दिन लौका भात, मतलब वो दो दिन भोजन। देखा जाए तो गाजीपुर में ऐतिहासिक छठ मनाया जाता है जिसमें फिल्म दुनिया के लोग आते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरे गाजीपुर की छठ पूजा और खास तौर से जहाँ पर आप खड़े हैं, सबसे बड़ा, सबसे जो पवित्र और सबसे चौड़ा घाट है कलेक्टर घाट, और इस वर्ष थोड़ा सा यहाँ की छठ पूजा जो है उसमें उत्साह में और जो लोगों के अंदर जोश रहता है उसमें कमी तो अभी नहीं होती है। इस वर्ष भी बड़ा अच्छा जोश दिख रहा है, लोग गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। इस वर्ष की इस महामारी के काल में मैं प्रशासन को भी और लोगों की जागरूकता को मैं अगुवा दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि पहले जो भीड़ यहाँ होती थी देश में जाने से और कुछ लोगों के अंदर सोशल अवेयरनेस, 200 मीटर 300 मीटर दूर चली गई जी, और उस पर भी जो एक दर्शनार्थियों पूजनार्थियों का जो एक बड़ा हजूम है जो घाट पे होता था और जो ज़बरदस्त भीड़ होती थी, मैं देख रहा हूँ लोग स्वयं भी दूर दूर, मतलब जो मंडप है, जो बेदी है, उसको दूर दूर बना रखा है और उधर रेल तक लोग फैल के पूजा कर रहे हैं। तो जितना संभव हो सका है, वैसे तो अभी भी देख कर लग रहा है कि कोरोना की महामारी में इस प्रकार का, लेकिन फिर भी मैं प्रशासन को, नगर पालिका को, सभी को धन्यवाद दूंगा कि यह व्यवस्था की गई, उतनी दूर तक व्यवस्था फैलाई गई बिजली के माध्यम से, लाइट के माध्यम से, कि लोगों को स्थान प्राप्त हुआ, वह दूरी आपस में प्राप्त हो सकी। और ऐतिहासिक रूप से तो ये बहुत ही विचित्र, मतलब अद्भुत स्थान है। यहाँ पर हमेशा पूरे जोश के साथ और पूरे उत्साह के साथ हम लोगों ने छठ पूजा को मनाया है और इस वर्ष भी वो जोश लोगों में कम नहीं दिख रहा है। आप हमारे बीच देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है, पुलिस के जवान भी देख रहे तैनात है और एक कंट्रोल रूम बना हुआ है। यदि कोई सूचना वगैरह देना हुआ तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तमाम माताएं और बहनें हैं, तमाम भव्य तरीके से मनाया जाता है छठ पूजा। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम है जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था दी जाती है हर साल। आप देख रहे हैं गाजीपुर से मोहिनुद्दीन सिद्दीकी की रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्टर, टीवी न्यूज़।